गजा एकेडमी ने वसीम रिजवी के गिरफ्तारी की मांग की है और उसने जो नापाक किताब लिखी है उस पर पाबंदी लगाने और बैन करने की हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि उसे फौरन बैन किया जाए और उसकी किताब पर पाबंदी लगाई जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। रजा एकेडमी ने ख्वाजा साहब की दरगाह से बाबरी मस्जिद पर दिया बड़ा बयान। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की लिखी किताब पर बैन और रिजवी की गिरफ्तारी की मांग। विश्व प्रसिद्ध महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में रजा एकेडमी के लोगों ने जियारत की। रजा एकेडमी के सईद नूरी के नेतृत्व में पूरी टीम बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर अजमेर पहुंची। अजमेर पहुंचने पर गरीब नवाज की दरगाह में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद इरफान रिजवी ने जियारत कराई और दरगाह शरीफ का तबर्रुक भेंट किया। इस मौके पर अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद वाहिद हुसैन अंगार शाह भी मौजूद थे। ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत के बाद रजा एकेडमी के सईद नूरी ने बताया कि आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तब से हर साल रजा एकेडमी के द्वारा अब तक उसकी याद में 3:45 पर नमाज अजान देकर याद किया जाता है। आज रजा एकेडमी के सभी लोग गरीब नवाज के यहाँ दुआ करते हैं कि बाबरी मस्जिद को जहाँ शहीद कर दिया गया था वहीं पर वापस मस्जिद बनाई जाए। रजा एकेडमी के मोहम्मद अब्बास ने बताया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में रजा एकेडमी ने हाजिरी दी। वसीम रिजवी ने जो किताब लिखी है केंद्र सरकार से मांग की है कि वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी लिखी किताब पर प्रतिबंध लगाकर उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही देश में अमन चैन और शांति बने रहे इसके लिए भी दुआ मांगी गई। वसीम रिजवी ने सरकार की शान में जो गुस्ताखी की है और किताब लिखी है रजा एकेडमी के सरबराह मुहाफिज नाम रिसालत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब तबिला मदाजिल्ला नूरानी आज अजमेर मुकदस में हाजिर हैं ये इल्तिजा लेकर के कि हुजूर सईदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज का जो आस्थाना है जो दुआ यहाँ मांगी जाए वो फौरन कबूल होती है। रजा एकेडमी ने वसीम रिजवी के गिरफ्तारी की मांग की है और उसने जो नापाक किताब लिखी है उस पर पाबंदी लगाने और बैन करने की हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि उसे फौरन बैन किया जाए और उसकी किताब पर पाबंदी लगाई जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। इसी सिलसिले में मुहाफिज नाम रसालत का यह काफिला आज जनाब अलहाज अशाह सैयद अब्दुल वाहिद चिश्ती साहब कबीला की मार्फत आज आस्थाने गरीब नवाज में हाजिरी देगा और हजरत कबीला दुआ फरमाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला वसीम रिजवी की गिरफ्तारी जल्द होगी और उसकी किताब पर पाबंदी भी लगेगी। आज आपके साथ कौन कौन यहाँ लोग आए हैं? ये रजा एकेडमी का पूरा काफिला आपके सामने है जो यहाँ चल करके गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुआ है। मुहाफिज नाम रसालत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी सरबराह रजा एकेडमी और अलहाज अब्दुल वाहिद चिश्ती आप देख रहे हैं कि गरीब नवाज के आस्थाने में हाजिर हैं। आज 6 दिसंबर है आज बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है। रजा एकेडमी जब से बाबरी मस्जिद शहीद की गई है हर साल 3:45 पर अजान देकर बाबरी मस्जिद की याद ताज़ा करती है और अल्लाह की बारगाह में यह दुआ करती है कि बाबरी मस्जिद उसी जगह पर फिर से तामीर हो। और ये अरीज़ा लेकर के हम आज खुद्दाम ख्वाजा अंजुमन सैयद ज़ादगान के जनरल सेक्रेटरी अलहाज अब्दुल वाहिद चिश्ती के तवस्सुत से बारगाह गरीब नवाज में दुआ करने आए हैं कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। सरकार गरीब नवाज बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। इसी हौसले और उम्मीद को लेकर के हम बारगाह गरीब नवाज में हाजिर।